स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया प्रदर्शन, देहरादून में निकाली जोरदार गांधी यात्रा, कई पूर्व आईएएस भी हुए प्रदर्शन में शामिल, संविधान हाथों में लेकर गाए एकता के गीत, गांधी पार्क से अम्बेडकर पार्क तक लंबा जुलूस निकाला, खाई एकता की कसम, गाई राम नाम की धुन, बुजुर्ग महिलाओं ने भी प्रदर्शन को दिया समर्थन। एसएफआई के मंच से पूर्व आईएएस बोले, संविधान खतरे में। बापू की शहादत दिवस पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जुलूस में कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हाथों में संविधान लेकर सड़कों पर उतरे। देश में शायद पहली बार होगा कि अब मोदी सरकार के एनआरसी सीए जैसे फैसले को पूर्व नौकरशाह चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले एसएफआई ने गांधी पार्क में बापू की प्रतिमा पर एकता की कसम खाई और फिर सड़कों पर राम नाम धुन गाते हुए मार्च निकाला। जय भीम टीवी के ब्यूरो चीफ आशीष तिवारी ने मार्च को समर्थन दे रहे आईएएस अधिकारियों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक तो बापू को श्रद्धांजलि देनी है और साथ ही साथ देश को जो है ना संविधान के अनुसार ही चलना है, इसीलिए हमने जो संविधान में उद्देशी का है प्रेम बल है उसकी शपथ बाबू के चरणों में ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं देश इस प्रकार से आगे चले। चाहते हैं कि जो हम 131 करोड़ लोग हैं उनके घरों में संविधान हो और संविधान के अनुसार उनका आचरण हो, वो संगठित हो करके उसको संगठित करने के लिए केवल भारत का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जो हमको एकता के सूत्र में रख सकता है, इसीलिए आज के दिन इस संविधान की उद्देश्य की शपथ लेनी जरूरी है। सर, संविधान हाथों में है, बुजुर्ग सड़क पर है, हाँ। और गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात तो की गई थी, हाँ। ऐसा क्या हुआ कि आप सड़क पे हैं? देखिए, संविधान आज से नहीं उल्लंघन हो रहा है, संविधान के जितने उल्लंघन हुए हैं वो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट ने किया है, लेकिन जनता आवाज़ नहीं उठाती है, इसलिए उनको निश्चिंत हैं वो कि हम जितने बार चाहें संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं। तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि संविधान पहचानने में नहीं आएगा कि संविधान जो था वो क्या था और आज क्या है। ये वर्तमान में जो ये सीए का जो प्रश्न आया है, प्रस्ताव आया है, उसमें धार्मिक आधार पर विभाजन किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक एक स्थिति है। अगर ऐसा हुआ तो देश में हो सकता है कम्युनल हार्मनी खत्म होने पर एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करेंगे लोग, एक दूसरे को खत्म। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कम्युनल हार्मनी खत्म होगी तो एक अनार्की होगी, एक एक भाई भाई को काटेगा, धर्म धर्म को काटेगा, बांटेगा, वो क्या वही खतरा है कि आज रिटायर्ड आईएएस आप लोग इतने बड़ी संख्या में आप लोग हुजूम पूरा निकला है? बिल्कुल, आज हम लोग कितने साल और जियेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन हमने संविधान के जितने उल्लंघन हुए हैं उसको न बचा पाए, लेकिन कुछ जो जब सबसे बड़ा खतरा जो आज दिखाई दे रहा है धर्म के आधार पर ये विभाजन हो रहा है, इसको इसका दंश हमारे आने वाली औलाद झेलेगी, तो उससे उनको बचाने के लिए आज सब इतने बुजुर्ग यहाँ जो हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे अन्य लोग हों, ये चिंतित हैं कि भाई संविधान का कुछ स्वरूप तो बचा के रखें, उसका आधार तो बचा के रखें। तो ये जो अभी जो आया है ये एक ब्लैटेंट, जिसको कहना चाहिए ब्लैटेंट उल्लंघन हो रहा है कि हम धर्म के आधार पर भी विभाजन करेंगे। संविधान के लिए संकट केवल हमने ही नहीं कहा, यहाँ की जनता ही नहीं कहा, जुडिशरी भी कह चुकी है, और मैं समझता हूँ कि अब हर बच्चे को संविधान का प्रियम्बल मालूम होना चाहिए और संविधान बचाने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया। अभी हम अम्बेडकर जी के सामने श्रद्धांजलि देंगे, वहाँ पर भी इसी तरीके से प्रेम्बल पढ़ा जाएगा, उसके बाद पटेल जी की मूर्ति के सामने भी प्रेम्बल पढ़ा जाएगा। आज हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि संविधान पे जिस तरीके से संकट आया है, जिस तरीके से धार्मिकता के आधार पर देश को डिवाइड करने का प्रयत्न किया जा रहा है, एक बड़े षड्यंत्र के तहत हो रहा है, उसके लिए आज हमने सबसे अच्छा दिन गांधी जी का आज एसेसिनेशन हुआ था, गांधी जी को जिसने एसेसिनेट किया उसका महिमा मंडल किस तरीके से किया जा रहा है, हमको बहुत बड़ी शर्म आती है। इसी वजह से आज हम लोग निकले हैं और सब यहाँ वरिष्ठ लोग हैं जिनके साथ हम चल रहे हैं, हमारे पूर्व आईएएस चंद सिंह जी हैं जो यहाँ गांधी जी के समक्ष यहाँ पर हमको प्रेम्बल पढ़ करके शपथ दिलाई है, इसी तरीके से हम अम्बेडकर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी रैली में एसएफआई भी है, बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं,
तो मैसेज क्या है गांधी जी के आज के इस दिवस पर, संदेश क्या है? क्या ये NRC और CAA के खिलाफ भी जो दिल्ली में चल रहा है उसकी एक कड़ी है? देखिए, CAA पूरी तरीके से धार्मिक आधार पर देश को बांटने का प्रयत्न किया गया है और वास्तव में उसको आप कड़ी समझ रख सकते हैं। और आज जो हमारा संकल्प है संविधान को बचाने का है। जब संविधान के अगर इतर कोई भी काम होगा, कोई भी निर्णय होगा, उस पर हमारा इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि संविधान हमारे लिए बाइबिल है, कुरान है और गीता है। रिटायर्ड IAS हो चाहे यूथ हो, बहुत बड़ी संख्या में निकले हैं, इनका एक मैसेज है, चाहे वो दिल्ली की सरकार के लिए हो। क्या है आपका मैसेज जो आप लोग झंडा बैनर लेके आज गांधी जी के इस ऐतिहासिक दिन को किस तरह से आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? आज शहीदी दिवस है। आज गांधी जी को की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को। तो आज का दिन जो है भारत के लिए काला दिन है, क्योंकि आज के अंदर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी हत्या की गई। और इस तरीके से जो इस तरीके का विचार है, जो दूसरे को सह नहीं सकता है उनकी सीधी हत्या करने पर आतुर है, इस तरीके का विचार है जो इस देश के अंदर धार्मिक सहिष्णुता को नहीं सह पा रहा है, वो चाह रहा है कि एक ही धर्म यहाँ पर निवास करे, इस तरीके को विचार को रिजेक्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सभी को सन्मति दे भगवान। अगर हमारे पास रोजगार ही नहीं है उसी कारण तो हम सड़कों पे उतर रहे हैं। अगर आज हमारे पास जो यूथ है उनके पास रोजगार होता तो आज ये सड़कों पे उतरने की नौबत ही नहीं आती यूथ को, मतलब अपने अधिकारों की मांग करने की बात ही नहीं आती यूथ को। अगर सरकार हमें अच्छे से अच्छे रोजगार प्रोवाइड कराए, हम मतलब जिस कैपेबिलिटी के साथ हमने अपने ग्रेजुएट किए हैं, कोई ग्रेजुएट हैं इतने BTEC वाले खाली बैठे हुए हैं जिनके पास जो बेरोजगार है, तो अगर उनको रोजगार में तो ऐसे सड़कों पे क्यों उतरेंगे? लोग अपना काम करेंगे, अपनी जॉब करेंगे। ऐसी आफत तो किसी को आती नहीं है फालतू। हम ये संदेश लेके आए हैं कि हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक ही धार्मिक विचार को लेके चले कि हाँ हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे। ये पूरा एक मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ, इसलिए हम अपने आज इस विचारधारा को लेके यहाँ पे अपना एक नाटक भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देश संविधान की दिशा में तो नहीं जा रहा है, जो तंत्र है वो संविधान की दिशा में नहीं जा रहा है, लेकिन जो गण है वो संविधान की दिशा में जा रहा है। इसलिए हमने गण को और तंत्र को भी अलग अलग कर दिया है ना। तंत्र जो है वो इस समय बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग, कोई नियम संविधान ने जो हमारे लिए बनाए हैं उन नियमों के अनुसार चल रहा है, लेकिन तंत्र नहीं चल रहा है, गण चल रहा है। ये जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लिखा हुआ है वो नहीं गाते, ये सीताराम सीताराम कहते हैं, जय श्री राम करते हैं। ये फूट डालो और राज करो वाली नीति पर ये लोग चल रहे हैं। ये नाथूराम गौड़से की औलादे हैं जो आज बिल्कुल गांधी जी को आगे लगाकर उनके चश्मे पे सिर्फ स्वच्छता थी क्या, और उनकी एक हिस्से को बताते हैं, दूसरे हिस्से को, एकता के हिस्से को नहीं बताते वो।